9 क्लास के सही बच्चों को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि मैथ्स हम लोग 1.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से, तो बहुपद में देखेंगे 2.1 में। जैसे हमारा प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझें और आप आसानी से, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि आप बहुत आसानी से मैथ को समझ पाएंगे। आपको मैथ में किसी तरह का ऐसे लगेगा कि कोई दम ही नहीं है, तो वैसे आप मैथ को समझने के लिए आप यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार लगे रहें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं बहुत आसान से आसान तरीका बताने का प्रयास करते रहूंगा। तो यहाँ देखेंगे हम लोग कि प्रश्न नंबर एक में दिया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर को लिखना है। इसमें कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है, यदि नहीं है तो उसके साथ हम इसके कारण को भी लिखेंगे कि वह नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो कैसे है। ठीक है, तो जिसमें आप देख रहे हैं, हम यहाँ हल करते हैं प्रश्न नंबर एक जो दिया हुआ है। प्रश्न नंबर एक में है कि 4x² - 3x + 7। देख रहे हैं बहुत ईजी है कि अगर हम इसको लिखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हम इसमें स्पष्ट रूप से देखेंगे 4x² - 3x + 7। तो यह जो है, यह इसमें अगर हम देखते हैं इस समीकरण में, तो इस समीकरण में क्या है कि x की सभी घात इसमें हम पाएंगे कि x का जो भी घात है यह सब क्या है, पूर्णांक अवस्था में है। यहां लिखेंगे इस समीकरण में x का सभी घात पूर्णांक है, x का सभी घात पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो निश्चित रूप से क्या होगा, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह एक चर का बहुपद है। यदि इसका सभी घात पूर्णांक है तो लिखेंगे इसलिए यह एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जब यह एक चर का बहुपद है, तो फिर आप दूसरे में देखिए कि दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है y² + √2। तो जब इसको आप कहिएगा कि वाई स्क्वायर, तो यहां पे क्या है कि अभी जो है यह एक चर में, यानी यह चर y में बहुपद, यह देख रहे हैं कि यह चर जो है y में क्या है, बहुपद की अवस्था में है, तो यह भी क्या है, एक पद का बहुपद है। अतः यह एक पद का बहुपद है, एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। फिर आप देखेंगे यहां तीसरे में, तो तीसरे में जो दिया हुआ है कि तीसरे में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां √3 × √t दिया है, प्लस t × √2 दिया है। अगर हम यहां t को रूट से बाहर निकालते हैं तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां जो वैल्यू हो रहा है, यहां पर पहले जो पद है तो पद का घात क्या बन जाएगा, पहले पद जो यहां देख रहे हैं, तो यहां लिखेंगे पहले पद का घात जब रूट से निकालेंगे, तो आप देख रहे हैं कि टी को जब रूट से निकालेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि टी के ऊपर यहाँ 1/2 हो जा रहा है, अर्थात हम कहेंगे घात जो है इतना है, अर्थात हम यहां कह सकते हैं 1/2 है, अर्थात 1/2 है जो कि पूर्णांक नहीं है, 1/2 है जो सीधे शब्दों में देख सकते हैं जो कि पूर्णांक नहीं है, और पूर्णांक जब नहीं है तो इसलिए क्या है, एक चर का बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह एक चर का बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर का बहुपद नहीं है। फिर आप देखेंगे यहां चौथे प्रश्न में दिया हुआ है कि चौथे प्रश्न में क्या है आपका, चौथे प्रश्न का जब आप जिक्र करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको किसी भी तरह से देख के आप स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे y + 2y है, तो यहां पे जब हम इस y को लेकर जाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y + 2y·1, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया था कि जब माइनस में पावर हो तो उसको माइनस से प्लस में ले जाने के लिए हम नीचे बटा लेके चले जाते हैं, नीचे जब बटा में हो तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा,
ठीक है, इसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे यह दूसरे पद का यहाँ घात आप देख रहे हैं, पहले पद का घात तो आपका सही है, तो यहाँ दूसरे पद का घात देखेंगे, यहाँ दूसरे पद का घात माइनस वन है, दूसरे चर का घात क्या है आपका माइनस वन हो रहा है। जब दूसरे चर का घात माइनस वन होगा जो पूर्णांक किसी भी हालत में नहीं होगा, और यह पूर्णांक नहीं है, और यह पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक चर का बहुपद होगा कि नहीं होगा, यह एक चर का बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके बाद पांचवें प्रश्न को देखें, तो पांचवें में देखेंगे कि x के पावर 10 है प्लस y के पावर 3 है और प्लस t के पावर 50 है। तो x के पावर 10, y के पावर 3 और t के पावर 50 है। तो यह देखेंगे कि यह जो अवस्था है, यह अवस्था किस रूप में है, तो इसे हम कहेंगे मानक रूप में है, और मानक रूप में होने की स्थिति में लिखेंगे कि चूंकि यह मानक रूप में अवस्थित है, मानक रूप में अवस्थित या व्यवस्थित है, जब मानक रूप में व्यवस्थित होगा तो यह निश्चित रूप से क्या होगा कि पूर्णांक नहीं होगा। जब मानक रूप में अवस्थित होता है तो यह पूर्णांक, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है, और यह पूर्णांक जब नहीं है अतः यह एक चर का बहुपद नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि हाँ, तो दूसरे प्रश्न में हम क्या विचार करेंगे कि जैसे दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ कि निम्नलिखित में से प्रत्येक, यानी निम्नलिखित में से जो प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक है, इस गुणांक को यहाँ पे लिखना है। जैसे आप इसके हल में क्या करेंगे कि हल में आप देखेंगे एक नंबर जो दिया हुआ है कि टू एक्स स्क्वायर, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो इसमें आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना रखा गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो इसका गुणांक आप देखेंगे कितना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कुछ नहीं है, तो क्या है इसका एक है, इसका गुणांक क्या है एक है। अगर इसी के साथ गुणा में कुछ रहता, जितना संख्या रहता उस संख्या का नाम हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है एक छुपा रहता है, यह बात आप जानते हैं। जैसे दूसरे में देखिए कि दूसरे में जैसे टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे जो है यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे पहले वाला है सेम, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे एक है, लेकिन एक किस में है तो माइनस में है, देख रहे हैं एक है लेकिन एक किस अवस्था में है तो माइनस के साथ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ तीसरे में देखेंगे कि तीसरे में क्या दिया हुआ है कि पाई बटा टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है तो वन है, कुछ नहीं तो वन है, और वन वो भी क्या है प्लस में है, तो इसका क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। अब चौथे में देखेंगे कि चौथे में क्या है कि रूट टू एक्स माइनस वन, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, और एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं, तो आप इसको जानते रहें और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। अगर किसी तरह का आपको समझने में परेशानी हो रहा है तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरे प्रश्न में क्या है। हाँ देखिए, तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है आपका कि 35 घात की एक पदी और 100 घात का एक पदी का एक एक, यानी 35 घात का द्विपद है और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण हमें प्रस्तुत करना है। तो 35 घात का जब हम द्विपद लिखेंगे तो हम यहां लिखेंगे हल में कि 35 घात का द्विपद, तो 35 घात के द्विपद में हम अपने से मान रख सकते हैं, यानी दो पद जिसके हों लेकिन उसका घात कितना हो तो 35 हो, तो x पे आपका घात कितना होगा 35 होना चाहिए, प्लस अगर हम
कोई भी मान रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए फोरेक्स रख दिए तो 35 घात का द्विपद आपका कंप्लीट। इसी तरह से आपका यहाँ पे 100 घात का एक पद है तो आप लिख सकते हैं कि 100 घात का एक पद। तो एक पद का मतलब क्या हुआ कि एक पद वाला होना चाहिए, तो आप कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन x के ऊपर क्या होना चाहिए कि 100 घात होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 100 घात का यानी कि इसका घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और पद कितना होना चाहिए तो एक पद होना चाहिए। जैसे इसमें दिया गया कि दो पद होना चाहिए तो दो पद दिया गया, लेकिन घात कितना तो 35 होना चाहिए। तो फिर आप तीसरे प्रश्न को देख लिए, अब चलिए चौथे प्रश्न को देखिए। चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ चौथे प्रश्न में देखिए, चौथे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है। तो प्रत्येक बहुपद का घात आप कैसे लिखेंगे, जैसे इसके हल में आप बस वही करना है कि इसमें घात आपको चेक करना है कि 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे बड़ा घात किसका है, सबसे बड़ा घात क्या है, तो सबसे बड़ा घात यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक बहुपद का जो घात लिखना है तो यहाँ घात बराबर क्या लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा वाला जो मान होगा यानी कि रूट यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ दूसरे में देखिए कि यहाँ 4 - y² है तो यहाँ घात बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा घात कौन सा है तो यहाँ पे 2 है, तो इसका घात कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा में कि 5t - √7, तो इसका घात कितना बन रहा है आपका, तो इसके घात पे कुछ नहीं है तो जहां कुछ नहीं है वहां 1 बनेगा, तो इसका घात क्या हो गया 1 हो गया। फिर आप देखेंगे यहाँ चौथे में, तो चौथे में क्या है कि 3 है, तो 3 का घात कितना हो जाएगा, तो इसमें तो कोई अक्षर ही नहीं है, जब अक्षर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घात जब कुछ नहीं बनेगा तो इसका घात क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आप पांचवें प्रश्न को देखिए, पांचवें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो हाँ तो यहाँ देखेंगे आप पांचवें प्रश्न में जो दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद जो है आपके रैखिक हो रहे हैं, कौन कौन बहुपद जो है द्विघाती हो रहे हैं, और कौन कौन बहुपद जो हो रहे हैं त्रिघाती हो रहे हैं। तो इसको आप जानने के लिए आप बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं जब इसको हल करेंगे। तो एक नंबर में है आपका x² + x, तो x² + x यानी इसमें कितने घात है, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है कि 2 है, तो यहां लिखेंगे कि यह द्विघाती बहुपद है। कितने घात है इसके, तो 2 घात है, इसके घात 2 है, तो यह द्विघाती बहुपद है। फिर आप दूसरे में देखेंगे कि दूसरे में x - x³ है, तो x - x³ है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सबसे बड़े इसके घात कितने हैं, तो 3 है, x³ - 3 है, तो यह लिखेंगे इसलिए यह क्या है त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तीसरे में, तो तीसरे में क्या है आपका y + y² + 4 है, y + y² + 4 है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें कितने घात हैं, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है कि 2 है, तो इसलिए यह क्या होगा द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, फिर आप चौथे में देखेंगे कि चौथे में क्या है कि 1 + x है, तो 1 + x में आप देख रहे हैं कि इस पे घात में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, इसका मतलब क्या है कि यह रैखिक बहुपद है, यह रैखिक बहुपद है। ठीक है, फिर आप यहां देखेंगे पांचवें में, तो पांचवें में क्या है आपका 3t है, तो 3t है, तो 3t का मतलब कि इसके पावर में भी कुछ नहीं है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 घात है, तो इसे हम क्या कहेंगे रैखिक कहेंगे, रैखिक बहुपद है। ठीक है, फिर आप देखेंगे छठवें नंबर में, तो छठवें में क्या है आपका r² है, तो r² का मतलब इसका घात तो है, और इसका घात कितना है, r के ऊपर घात कितना है, पावर कितना है 2 है, तो इसे हम लिखेंगे द्विघाती, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, फिर यहां देखेंगे सातवें में, तो सातवें में क्या है आपका 7x³ है, 7x³, तो x के पावर क्या है q है, तो क्या हो जाएगा यह त्रिघाती, यानी 3 घात इसका है, त्रिघाती बहुपद है। तो इस तरह से छात्रों में प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए अलग अलग तरह से आपको सीरीज के रूप में, जैसे आप देख रहे हैं कि आपके 2.1 जो है एक आपके
पहला सीरीज इसका होगा दो पॉइंट का। तो इस तरह आप बहुपद के एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर करके आप सीरीज के हिसाब से देख सकते हैं कि बहुपद जिस पे होगा, और आप प्रत्येक चैप्टर को अलग अलग ढंग से आप आसानी से समझ सकते हैं और बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब में हमेशा जुड़े रहें, आपको बेहतर से बेहतर जानकारियां मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले सीरीज के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।